हेलो गाइस, तो आज हमारे पास है ये तीन सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली चिप कुछ चीज़ें, जो कि यार एक फेविक्विक, एक फेविकोल और एक है हमारे पास बोन फिक्स। और गाइस, इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं कि क्या इनसे कोई नई चीज़ बन पाएगी या फिर कोई ऐसी सुपर ग्लू बन पाएगी। तो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है, तो चलिए बराबर से इसको मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये ले लिए मैंने फेविकोल और इसे डालता हूँ मैं इस कटोरी में, उसे खाली कर लेता हूँ इसमें। और मैंने इसको मिलाने के लिए चम्मच लिया है भाई, ये आ चुकी है फेविकोल। ठीक है गाइस, इतनी हम लेते और इसको रख देते साइड में। और अब डालते हैं इसमें फेविक्विक। पूरा पानी में टाइम लगा भाई, ये देखिए गाइस, ये मिला दिए भाई इसमें। और सेकंड वाली को भी मिला लेते भाई। और गाइस, अभी से ही इसमें थोड़ी सी लेयर टाइप की दिखने लगी है, जो कि यार ऐसी लग रही है जैसे कोई दूध की मलाई हो। तो भाई इसको भी इसमें डाल देते हैं, पूरी तरीके से अच्छे से मिला देते हैं। एंड अब इसमें डालते हैं हम बोन फिक्स, जो कि यार इसमें भी एडहेसिव होता है, जो कि दो चीज़ों को चिपकाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड गाइस, ये तो निकल रही है भाई, ये इस तरीके की निकलती है, पीली पीली सी और काफ़ी ज़्यादा टाइट है गाइस ये। और भाई अब इनको थोड़ा सा हिलाकर देखते हैं अभी फेविक्विक। और भाई ये देख सकते हो यार, ये कैसी दूध की मलाई जैसी ये हो चुकी है। एंड गाइस, ये थोड़ी हार्ड होने लगी है, ये देखिए गाइस, ये तो मिली नहीं है भाई इसमें। बोन फिक्स को तो इसने मिलने ही नहीं दिया है भाई, और फेविकोल को भाई इसने काफ़ी ज़्यादा चिपका दिया है फेविक्विक ने, और काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड हो चुकी है। ओह भाई, और गाइस इसको मिलाते हुए मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया है भाई, एक मिनट से भी ज़्यादा इसको मैंने लगा दिया है। और भाई इनमें से थोड़ी सी स्मेल निकल रही है और थोड़ी सी ये गर्म भी हो चुकी है भाई। और ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। इसको मैं टच करके भी देखता हूँ तो भाई, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई ये कुछ चिपकी चिपकी सी है। और गाइस, अब इस चीज़ को हम लकड़ी के दो टुकड़ों पर चिपका कर देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई क्या ये उनसे ज़्यादा पावरफुल बन पाएगी या नहीं। तो भाई इनको फटाफट से चिपका कर देखते हैं। और इस पर हम लगाते हैं, और अब दूसरे वाले गुट्टे को इस पर लगा कर देखते हैं और इस तरीके से देखते हैं कि भाई ये चिपक पाती है नहीं चिपक पाती। अच्छी तरीके से मैंने चिपका देता हूँ, दबा देता हूँ। और भाई थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं एक मिनट के लिए। तो A few moments later. तो भाई जिन दोनों को चिपके हुए एक मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, और भाई मैं इन्हें नीचे वाले गुट्टे को छोड़ कर देखता हूँ कि क्या ये नीचे गिरता है या नहीं। तो भाई ये तो चिपक चुका है और काफ़ी मजबूती से चिपका है गाइस, ऐसा भी नहीं है कि हल्के से चिपकाओ मैं से। अरे नहीं यार गाइस, ये तो छूट चुका है भाई, और इसमें ऐसी पावर ही नहीं बचेगी भाई ये थोड़ी चिपक पाए, बहुत ही कम चिपक रही है गाइस ये। तो भाई इस चीज़ से ये तो प्रूव हो चुका है कि भाई इनसे कोई सुपर ग्लू नहीं बनती है। तो गाइस, इन तीनों को मिलाने से हमारे पास कोई ऐसी सुपर ग्लू तो तैयार नहीं हुई है, जो भी है जो ये तैयार हुआ है। और गाइस, इसमें जो है फेविक्विक का तो पूरा असर ही ख़त्म हो चुका है। तो गाइस, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।